हाँ जी, ट्वेल्थ क्लास बेटा, वेलकम अगेन। तो यार, वेव ऑप्टिक्स में हम कहाँ तक पहुँच गए? इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में यार, हमने बोला इंटरफेरेंस वेव फिनोमिन है, हर एक के लिए लगेगा, लेकिन हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स। तो अपनी बात है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स। थोड़ी सी रिवीजन करवा देते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सबसे पहली बात यार क्या डिस्कस की, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, हमने क्या किया यार, इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन की, कि इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन लाइट फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस इल्यूमिनेट्स अ स्क्रीन साइमल्टेनियसली। अगर दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट ली जाएगी, ये मान लो दो सोर्सेस, और सामने स्क्रीन पर अगर दोनों की लाइट इकट्ठे प्रोवाइड कर दी जाए, तो इनकी लाइट वेव्स एक दूसरे में सुपर इंपोज होंगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था, इंटरमिक्सिंग होगी और स्क्रीन पे एक पैटर्न बनेगा, कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा जब पॉजिटिव पे पॉजिटिव या नेगेटिव पे नेगेटिव ऐड हुई थी, कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और स्क्रीन पे क्या बनेगा? एक हमने बात की थी, पैटर्न बनेगा। ठीक है, उस पैटर्न में कहीं कहीं पर इंटेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कहीं पे इंटेंसिटी नॉर्मल से कम हो जाएगी। तो हमने बोल दिया इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन क्या बनाई थी हमने इसकी, कि इट इज री, इंटरफेरेंस इज री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द स्क्रीन। कब? जब दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट को इकट्ठी प्रोवाइड किया जाएगा। जो इसमें बनेगा उसको क्या बोला हमने? इंटरफेरेंस पैटर्न। कौन सा पैटर्न यार? इंटरफेरेंस पैटर्न बोल दिया। ठीक है जी। अब पैटर्न में क्या था? कहीं कहीं पे डार्कनेस, कहीं कहीं पर ब्राइटनेस। डार्कनेस मतलब नॉर्मल से कम इंटेंसिटी, ब्राइटनेस मतलब नॉर्मल से ज्यादा इंटेंसिटी। तो ये इंटरफेरेंस है, रीडिस्ट्रीब्यूशन लाइट एनर्जी हो जाएगी। दोनों को इकट्ठे डालोगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन लाइट एनर्जी हो रही है और पैटर्न बन रहा है, कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जा रही है, कहीं पे इंटेंसिटी कम हो जा रही है। ये इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ लिया कि दो सोर्सेस से लाइट आएगी, स्क्रीन पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी और जो बनेगा उसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ओके, फिर हमने बोला कि यार ये जो पैटर्न बनेगा उसको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे? ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी आप ये इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। हां, बन रहा होगा। तो हमने बोला कि यार अगर इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो क्या चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए? तो उसके लिए हमने लास्टली डिस्कस किया था कि कंडीशंस, मैंने बोला था यहां से स्टार्ट करवाएंगे ना, कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड तो अगली बात है अपनी, कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन इंटरफेरेंस। ये हमने बात की थी कि यार ये जो पैटर्न है बन रहा होगा, इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कहीं पे वेव ऐड हो रही होंगी, कहीं पे वेव सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, कहीं पे ब्राइटनेस हो रही होगी, कहीं पे डार्कनेस हो रही होगी, पैटर्न बन रहा होगा लेकिन ऑब्जर्व नहीं हो रहा। कारण कि फेस कंडीशन चेंज हो जाती है। कारण क्या बताया था? कि फेस कंडीशन चेंज हो जाती है। यहां पर कुछ देर पहले इन फेस आ रही थी, अगले पल आउट ऑफ फेस आ जाएंगी, कहीं पे जहां आउट ऑफ फेस आ रही थी अगले पल इन फेस आ जाएंगी, तो पैटर्न बन रहे हैं लेकिन बड़ी कंटिन्यूसली
चेंज हो रही हैं विद इन 10^-8 सेकेंड, सारी बातें हुई हैं। ये पैटर्न चेंज होते हैं, आपकी आई उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो अगली बात थी कि कैसे ऑब्जर्व करोगे, इंटरफेरेंस को सस्टेन कैसे करोगे, सस्टेन मतलब कुछ देर के लिए रोक के कैसे रखोगे। तो उसके लिए हमने कंडीशन बताई थी, जिसमें हमने बोला कि एक मेन कंडीशन है कि जो दो सोर्सेज है ना, दो सोर्सेज जिनकी आप यूज कर रहे हो, सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, सबसे मेन कंडीशन थी कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट है वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरी बात मैंने बोला था सोर्सेज मस्ट बी पॉइंट सोर्सेस, मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए, ये जो है यानी इतने बड़े बड़े छेद कर दो, पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, सोर्सेस मस्ट बी पॉइंट सोर्सेस। तीसरी बात, जो लाइट आए उनमें से लाइट शुड बी मोनो क्रोमैटिक। हमने पहले भी कभी बात की, मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, व्हाइट लाइट नहीं चलेगी। व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट वेवलेंथ हैं, वो नहीं चलेगी। या रेड लाइट यूज कर दो, येलो यूज कर दो, ग्रीन यूज कर दो, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है जी। तो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब कई बार ना यही क्वेश्चन आ जाता है, बस एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो उसमें चार लिखा ना, ठीक है जी। अब इसमें फिर हमने इतनी बात कर ली थी कि यार ये कोहरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, है ना, कोहरेंट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि अब ये कोहरेंट सोर्सेस क्या चीज है। मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेड लाइट ले आएंगे भैया, येलो ले आएंगे, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वेवलेंथ की ऑब्टेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट सोर्सेस चल बना लेंगे। सबसे ज्यादा पंगा किसका है, कोहरेंट करने का। ये कंडीशन पूरी तरह से मैच नहीं करती यार, फिर भी इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो सकता है, लेकिन अगर कोहरेंट ना हो तो बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हो सकता। तो बात यह है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस रिडिस्ट्रीब्यूशन लाइट एनर्जी, इंटरफेरेंस करने के लिए दो सोर्सेज ऑफ लाइट चाहिए, उन दोनों की लाइट आपस में मिक्स होगी, पैटर्न बनेगा, पैटर्न में कहीं पर डार्कनेस, वो पैटर्न इतनी जल्दी चेंज होगा कि वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। क्यों ऑब्जर्व नहीं हो पाता, क्योंकि ये विद इन 10^-8 सेकेंड फेज कंडीशन चेंज हो जाती है, ये इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आपकी आई इतनी तेजी से होने वाले चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो आपको ये फेज कंडीशन चेंज नहीं होने देना, यानी ये दोनों सोर्सेज कैसे करवाने हैं, कोहरेंट करवाने हैं। तो कोहरेंट की भी अपनी बात हो गई थी बेटा, इंपॉर्टेंट बातें थी, इसलिए लगभग सारी जितने भी कंक्लूजन निकला था उसकी रिविजन करवा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ पाऊंगा मैं। तो पिछली बार तो कहानी के फॉर्म में था, इस बार पॉइंट्स के फॉर्म में था। तो इनमें से सबसे मेन कंडीशन सस्टेन इंटरफेरेंस कराने की कोहरेंट। अब आपको यह भी बता दिया था कि व्हाट आर कोहरेंट सोर्सेज, व्हाट आर कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कोहरेंट सोर्सेज इनके बीच में फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होता। दो सोर्सेज ऑफ लाइट द फेज डिफरेंस बिटवीन विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देख, फेज डिफरेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो कोहरेंट सोर्सेज, दो सोर्सेज इन विच फेज डिफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो सबसे मेन कंडीशन
कि जी अगर आपने इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट, फेस डिफरेंस जिनके बीच में कांस्टेंट रहे। अब अगली बात यह भी हमने बोल दी थी कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। अगर आपको कोहेरेंट, जैसे अब ये दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं भाई, ये कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, तो फिर से शुरू से करो। दो सोर्सेज हैं, दोनों की लाइट मिक्स होगी, इंटरफ्रेंस होगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा, लेकिन ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कोहेरेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट तो वैसे ही कोहेरेंट नहीं हो सकते, फेस कंडीशन चेंज होगी, आप कभी भी ऑब्जर्व पैटर्न नहीं कर पाओगे। तो यार कोहेरेंट ऑब्टेन करने के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट है कि आप एक मेन सोर्स यूज करो, ये मेन सोर्स है, इसके आगे कार्डबोर्ड वगैरह लगा दो, मतलब जिससे लाइट बाहर ना पाए, और इसमें दो छोटे छोटे छिद्र कर दो। तो भाई यहां से जब देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, यहां से जब हम देखेंगे तो ये तो बिल्कुल पीछे चले गया ना, हमें लाइट यहां से आते हुए नजर आएगी। अब ये जो लाइट आ रही है और ये जो लाइट आ रही है, ये दो अलग अलग सोर्सेस मान लिए जाएंगे कि एक S1 और एक S2। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां पे खुद कोई लाइट सोर्स नहीं लगा हुआ है, ये इससे ही डेवलप हो रहे हैं। अब ये दोनों कोहेरेंट हो जाएंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही से ऑब्टेन हुए, तो इनके बीच में फेस डिफरेंस जो है, जहां पे भी ये पहुंचेंगे, जितना एक बार सेट हो गया वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट मींस अगर दो सोर्सेस ऐसे हैं जो एक ही से ऑब्जर्व किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, अब बेटा एक ही से जब इस तरीके से हम सोर्सेस ऑब्टेन करते हैं तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड। इसका मेन वेव फ्रंट था, हमने इसी का वेव फ्रंट की क्या करवा दी, डिवीजन करवा दी। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, हम एक ही सोर्स से डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कंसेप्ट लगाकर इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि मुझे सब पता है क्या करना है, मैंने क्या किया, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, तो मोनोक्रोमेटिक लिया तो मेरी मोनोक्रोमेटिक वाली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है जी, मोनोक्रोमेटिक लिया, रेड कलर की लाइट ले ली कोई, ठीक है जी, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, मेरी मोनोक्रोमेटिक वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब यार एक ही से तो निकल रही है वेव, उससे सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। ओके, ऊपर से ये जो सोर्सेस हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेस लिए, पॉइंट सोर्सेस, तो मेरी पॉइंट सोर्सेस वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, और वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं है, एक ही से ऑब्टेन किए डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यूज करवाकर, तो मेरी कोहेरेंट वाली जो सबसे मेन कंडीशन थी वो भी पूरी हो गई। तो अगर ये चारों कंडीशन पूरी करवा दूं तो मेरे भाई स्क्रीन पर इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा और वो ऑब्जर्व भी होगा, कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम नजर आएगी, कहीं कहीं पर ज्यादा नजर आएगी, वो जो हम कह रहे हैं
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हो जाएगी तो वो हमें ऑब्जर्व होगा, बकायदा ऑब्जर्व होगा। लेकिन ये चारों कंडीशन बड़ी ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, मतलब लगानी ही पड़ेंगी। गड़बड़ होती है तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो पाता। तो मुद्दे की बात ये कि हम आपको इतना समझाने में शायद कामयाब हो गए कि इंटरफेरेंस क्या चीज है और कैसे आप उसको ऑब्जर्व करोगे। कल की कहानी लंबी थी, अब कल की पूरी जो स्टोरी थी उसको फिर हमने शुरुआती 15 मिनट में समेटने की कोशिश की आपके सामने। तो इंटरफेरेंस दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट आएगी, मिक्स होगी और स्क्रीन पर कहीं कहीं पर वो कंस्ट्रक्टिवली एड अप हो जाएगी, कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिवली एड अप हो जाएगी, कहीं इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कहीं इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक पैटर्न सा बन जाएगा, हमें लगेगा जैसे लाइट की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, वैसे लाइट पूरे स्क्रीन पे एज इट इज पड़नी थी, अब कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो रही है, तो हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द स्क्रीन हो गई, मतलब दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हुआ। लेकिन इस इंटरफेरेंस को अगर आपने देखना भी है तो ये चार कंडीशन लगानी पड़ेंगी। इन चार कंडीशन में सबसे जरूरी कंडीशन सोर्सेस का कोहरेंट होना है, और कोहरेंट होने के लिए एक ही सोर्स से ऑब्टेन कर लो तो बढ़िया कोहरेंट हो जाएंगे। अब अगली बात कि यार ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना या बनेगा, अब इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट था यंग्स, थॉमस यंग्स। अब उस यंग्स ने ये पूरे की पूरी बातें बताई हैं ऑब्जर्व कर। तो हम जो मेन टास्क है अपना अगले दो दिन का, वो यंग्स द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट ही है। हमें यंग्स एक्सपेरिमेंट ही डिस्कस करना है, उसी पे बेटा मैथमेटिकल बातें भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यंग्स वाले टॉपिक पे ही यंग्स ने ये पूरी जो बातें कर रहे थे ना, ये असल में यंग्स के एक्सपेरिमेंट से ही निकली हैं कि ऐसे ऐसे भाई कोहरेंट सोर्सेस होने चाहिए, ये स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाओगे तब जाके इंटरफेरेंस क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो अपना जो मेन टास्क है यार अगला, दैट इज यंग्स एक्सपेरिमेंट। अब उसको पूरा कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये जो पॉइंट सोर्सेस थे ना S1 S2, उसको स्लिट कह देते हैं। स्लिट क्या कह देते हैं? स्लिट, स्लिट मतलब होता है एक स्लाइट ओपनिंग, ठीक है, उसको स्लिट कह देते हैं। तो यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसको क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो समझ लो आने वाले दो तीन दिनों के लिए, क्योंकि दो दिन तो उसका मैथमेटिकल में लग जाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल भी करने हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जी कौन सा एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको हम प्यार से YDSC बोलेंगे, ठीक है ना, प्यार से इसको YDSC। अब पूरा क्या बोलते रहेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तो रोज बोलेंगे नहीं, हम YDSC ही बोल देंगे। दो इसमें आर्टिकल टाइप है, उस पे बेस पे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब आज देखते हैं कितना कवर अप कराएंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आज मुझे लगता है इसकी इंट्रोडक्शन ही कवर करा पाऊंगा मैं, मैथमेटिकल पे शायद मैं ना पहुंचाऊं, इंट्रोडक्शन जरूर करवा दूंगा इसकी कि है क्या। समझने में टाइम लगता है ना, अब इंटरफेरेंस समझाने में ही एक दिन लग गया, अब यार यंग्स ने किया क्या, वो समझाने में एक दिन लग जाएगा, उसके बाद फिर मैथमेटिकल चल पड़ा, फिर दौड़ पड़ेगा ये। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
यंग्स ने क्या किया, वो जो हम अभी बातें कर रहे थे कि उसने ऐसी दो सोर्सेज लिए, लेकिन उसे पता है, इतने एक्सपेरिमेंट कर चुका है कि दो इंडिपेंडेंट होंगे तो बात नहीं बनेगी, तो उसने पूरा सेटअप लगाया। ये मेन सोर्स है, ओके। अब उसे सारे के सारे सोर्सेस कैसे चाहिए, बिल्कुल पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब इसके हिसाब से इसने ये पहला जो सोर्स लिया ना, ये भी बड़ा छोटा था। जैसे मान लो किसी छोटा सा होल टाइप कर देते ना, तो ये उसने स्लिट ली, इसको स्लिट बोला गया, पतली सी एंड 1 mm साइज की। मान लो इसका जो डायमीटर है, वो जो होल बना छोटा सा, कितना 1 mm साइज के लिए। फिर इस पे यहां पे इसने मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। अब इसने क्या क्या किया वो बता देते हैं। मैंने बोला ना, कंडीशन बड़ी स्ट्रिक्ट है। सोडियम लैंप का यूज किया, एक सोडियम लैंप होती है, वो दो सिंगल वेवलेंथ, दो वेवलेंथ की लाइट फेंकती है। अब उसको हम कभी कभी मोनोक्रोमेटिक सोर्स के रूप में यूज कर लेते हैं। तो सोडियम लैंप यूज की, और लैंप के आगे जो उसने सोर्स बनाया छोटा सा, 1 mm साइज की स्लिट रखी, लैंप पीछे उसके आगे 1 mm साइज की स्लिट रखी, वो हमारा मेन सोर्स बन गया। उसके आगे कार्डबोर्ड जो भी है बंद कर दिया उसको, ताकि वहां से लाइट ना निकल सके। और यहां दो सोर्सेस ऑब्टेन किए, इनका साइज 0.3 mm ईच, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम था यार। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 mm के करीब। कितना जी? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2 mm। अब देख यहां पे इतना बड़ा शो कर दिया, इतना बड़ा नहीं, तभी मैंने बोला ना कंडीशन बड़ी स्ट्रिक्ट है। अब तुम लोग करोगे तो ऐसा करने की कोशिश करोगे तो भी शायद ऑब्जर्व ना हो पैटर्न जो बन रहा। तो उसने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है यार। यंग ने बताया कि यार ऐसे इतनी आसानी से नहीं होने वाला पैटर्न ऑब्जर्व, लेकिन हाँ होता है कहता, अगर ये कर लोगे तो हो जाएगा। तो उसने एक मेन सोर्स लिया सोडियम लैंप, 1 mm का ये जो स्लिट बनाई उसको बंद कर दिया। उसके आगे दो सोर्सेस अब ये हैं तुम्हारे 0.3 mm ईच। मैं हर बार ये सब नहीं लिखूंगा 0.3 mm 1 mm, बस S1 S2 लिख दिया करेंगे। वो अंडरस्टूड है कि भैया अगर YDSC की बात कर रहे हो तो ये स्ट्रिक्ट कंडीशन तो लगी होंगी। और उसके बाद सामने क्या रखा उसने, एक स्क्रीन रखा, ये भी लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 10 सेंटीमीटर। अब ये उसका आइडियल सेटअप है यार। सेटअप कैसा होना चाहिए? आइडियल। देख सारी कंडीशन आ रही है, मैंने बोला था सस्टेन इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहरेंट। अब कोहरेंट बनाने के लिए उसने डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट लगाया। अब एक बार कोहरेंट हो गए, एक ही सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो तो बाकी कंडीशन तो अपने आप ही लग जाएंगी। पॉइंट सोर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो पॉइंट सोर्सेस तो है ही है। फिर क्या थी कि मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अब उसने मोनोक्रोमेटिक भी यूज कर लिया, सोडियम लैंप यूज की, और क्या था, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी। अब वो तो हो ही जाएगी, एक ही से ऑब्टेन कर रहे हो तो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी तो फिर हो ही जाएगी। तो ये पूरा आइडियल सेटअप लगाता है वो, और पैटर्न बनता है, दिखता है उसको बढ़िया, कहता है यार मजा आ गया, क्या इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, जो हम सोच रहे थे, जो हम बातें कर रहे थे बन रहा है, बकायदा बन रहा है, कहता। अब अगली बात जो मैंने आपको डिस्कस करवानी है अगले कुछ मिनट्स में, कि यार पैटर्न बना कैसा, पैटर्न की खास बातें क्या थी, उसको डिस्कस करते हैं, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। तो यार यंग्स में
ऑब्जर्व क्या करता है, अब वो मेन बात है। अब हमने बोला ऑब्जर्व क्या करता है, एक पैटर्न बनता है। इतना हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो पैटर्न है कहीं कहीं पर इंटेंसिटी बढ़ रही है, कहीं कहीं पर इंटेंसिटी लाइट की कम हो रही है। तो सब सेटअप लग गया, यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो स्क्रीन पे उसको बहुत बढ़िया भाई पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। कहता मजा आ गया भाई, इतनी मेहनत की, आ गया इंटरफेरेंस पैटर्न। अब अगली बात है उस इंटरफेरेंस पैटर्न की खास बात। तो जो यंग्स अपने एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करता है, उसकी खास बात कि वो देखता है कि जो सामने स्क्रीन रखा है ना, सब कुछ देखो सिमेट्रिकल है। ये S1 है, S2 है, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है कुछ फिक्स था, ओके। और सामने स्क्रीन है, अब ये सिमेट्रिकल हो गया ना पूरा का पूरा, तो इन दोनों के बीच का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ द स्क्रीन मान लिया गया, ठीक है। दोनों स्लिट्स या दोनों सोर्सेज हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो सेंटर लेकर उसको क्या मान लिया गया यार, सेंटर ऑफ स्क्रीन एज्यूम कर लिया हमने। अब ये हो गया आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो यंग्स कहता है कि यार सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर एन ब्राइटनेस आ रही है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या आ रही है, बिल्कुल ब्राइटनेस आ रही है। मतलब वो इंटेंसिटी जो मैं कह रहा था ना, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो रही है। अब ब्राइटनेस को मैं बी लिख दूंगा, पूरा ब्राइटनेस नहीं लिखूंगा, इसको मिटा के बी लिखूंगा, और डार्कनेस के लिए क्या लिख दूंगा, डी लिख दूंगा। तो कहता है कि सेंटर पे तो क्या आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, ब्राइटनेस, ठीक है नहीं। तो सेंटर पे उसने ऑब्जर्व की ब्राइटनेस, या उसने बोला कि यार सेंटर पे मैक्सिमा आ रहा है, बी फॉर ब्राइटनेस है यार यहां पर, या उसने वर्ड किया कि यार सेंटर पे बहुत बढ़िया मैक्सिमा ऑप्टेन हो रहा है। देखो मैं सारे वर्ड यहीं बोल दूंगा कि मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब ब्राइटनेस है, या उसने बोला कि यार सेंटर पे बहुत बढ़िया ब्राइटनेस हो रही है, मैक्सिमा आ रहा है यहां पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तीन वर्ड यूज कर लिए मैंने, यहां बोल दिया उसने यार यहां पे ब्राइटनेस आई है, मैक्सिमा आया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। फिर क्या कहता है कि सेंटर के दोनों साइड पर कुछ दूरी पर, तो कुछ दूरी तक तो यह ब्राइटनेस फैली हुई है, फिर कहता है इसके दोनों साइड डार्कनेस आ रही है। डार्कनेस मतलब इंटेंसिटी कम हो गई, वो हम कह रहे हैं ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी हो जाती है, कहीं इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो सेंटर पे कह रहा है बढ़ गई, वो बड़ी हुई इंटेंसिटी कुछ देर तक फैली हुई है, उसके दोनों साइड पे कह रहा है इंटेंसिटी कम हुई हुई है, डार्कनेस है। अब डार्कनेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डार्कनेस हो गई होगी, डार्कनेस का मतलब इंटेंसिटी कम हुई है। अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर थे तो हो सकता है इंटेंसिटी बिल्कुल ही जीरो हो जाए, डार्कनेस ही हो जाए। अगर अनइक्वल हो तो डार्कनेस मतलब इंटेंसिटी लेस हुई है। तो यहां कह रहा है डार्कनेस आ रही है, मतलब उसके लिए एक और वर्ड यूज किया कि मिनिमा आ रहा है जी, मिनिमा, मिनिमा मतलब कमी आ रही है, मैक्स मतलब ब्राइटनेस, मिनिमा मतलब डार्कनेस। या वो कहता है कि यहां पर ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो सेंटर पे कहता है मैक्सिमम, उसके दोनों तरफ कह रहा है कि मिनिमा है, ठीक है। मिनिमा, मिनिमा या डार्कनेस एक ही बात, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऊपर लिखा हुआ है डी के सामने, वही आ जाएगा। करे सेंटर पे ब्राइटनेस, उसके दोनों साइड पे
डार्कनेस, कहता उसके आगे फिर ब्राइटनेस ऑब्जर्व हो रही है और उसके बाद फिर से डार्कनेस है, फिर से ब्राइटनेस है, फिर से डार्कनेस है, कह रहा पूरे स्क्रीन पर कुछ ऐसा पैटर्न बन गया हुआ, पूरे स्क्रीन पर कुछ ऐसा पैटर्न बन गया है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर ब्राइटनेस है और उसके अल्टरनेटिवली बोथ साइड अल्टरनेटिवली डार्कनेस और ब्राइटनेस के पैटर्न्स हैं। सेंटर पे ब्राइटनेस, फिर दोनों तरफ डार्कनेस आई, फिर उसके आगे फिर से ब्राइटनेस, फिर से डार्कनेस, फिर से ब्राइटनेस, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेंटर पे ब्राइट है, उसके दोनों साइड डार्कनेस सी है, उसके फिर आगे ब्राइटनेस सी है, उसके फिर आगे डार्कनेस सी है, उसके फिर आगे ब्राइटनेस सी है, एक पूरा पैटर्न ऑब्जर्व किया इसने, एंड पैटर्न ऑब्जर्व किया। अब आपको समझना है कि यार ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैटर्न था कैसा, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि YDSE का पैटर्न है कैसा। कैसा जी? सेंटर पे मैक्सिमा है, उसके बाद फिर मिनिमा है, फिर मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, या कह लो सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, उसके बाद अल्टरनेटिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव हुआ है, या कह लो सेंटर पर ब्राइटनेस आई है और अल्टरनेटिवली डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस कुछ ऐसे आया है। तो ये पैटर्न था, ये पैटर्न उसने ऑब्जर्व किया, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि पैटर्न क्या था, मैक्सिमा एट द सेंटर एंड देन अल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा एट द सेंटर एंड अल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये पैटर्न बना। ओके, अब इसी को एक दूसरी तरीके से भी देख लो। अब ये स्क्रीन जो है हमने आपके सामने कर दिया, ऐसे पड़ा ना स्क्रीन, यहां पैटर्न बन रहा है, हमने ऐसे कर दिया, अब देख लो पैटर्न कैसा बन रहा। अब मैंने स्क्रीन तुम्हारे सामने किया, इधर सेटअप है, तो यहां से जब इस पे पड़ी तो पैटर्न कैसा था, वो कहता यार सेंटर पर ब्राइटनेस है, सेंटर पे क्या है ब्राइटनेस, सेंटर पे ब्राइट स्पॉट आ गया, उसके आसपास डार्कनेस है, ठीक है जी, उसके आसपास फिर ब्राइटनेस, उसके आसपास फिर से डार्कनेस, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बना सेंटर पर। लेकिन ये जो मैंने गोले बनाए, ये गोलों का कर्वेचर बहुत बड़ा है तो पूरे गोले दिखेंगे नहीं, लेकिन बनते कुछ ऐसे हैं। अब क्योंकि इनका कर्वेचर बड़ा है तो हमें ये पूरे सर्कल या सर्कुलर से तो दिखाई देंगे नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसी ऑब्जर्व होती है कि सेंटर पे तो क्या आ रहा है, ब्राइटनेस सी आ रही है और उसके आसपास डार्कनेस, ठीक है, फिर ब्राइटनेस, फिर से क्या डार्कनेस। तो देखो अगर कुछ सेटअप ऐसे बन जाए तो वो सर्कुलर रिंग से बनते हैं, लेकिन
वो रिंग का कर्वेचर बड़ा होता है, हमें दिखाएंगे दिखेंगे कुछ ऐसे, और कर्वेचर बड़ा कर दोगे तो ये कुछ ऐसी स्थिति ऑब्जर्व होगी जी। अगर कर्वेचर और बड़ा होता तो कुछ ऐसी स्थिति होती, ये आपका ये वाला भाई सेंटर ऑफ द स्क्रीन था, जहां पर क्या थी ब्राइटनेस, उसके दोनों तरफ क्या आई थी डार्कनेस, ठीक है, दोनों तरफ डार्कनेस, फिर क्या आई ब्राइटनेस दोनों तरफ, और फिर उसके आगे डार्कनेस, फिर उसके आगे डार्कनेस। अब बात तो वही है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है जहां पे क्या आ रही है ब्राइटनेस, उसके बाद अल्टरनेटिवली डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस। इसको मैंने मैक्सिमा भी बोलना है, इसको मैंने मिनिमा भी बोलना है, इसको मैंने मैक्सिमा भी बोलना है, इसको मैंने मिनिमा भी बोलना है, इसको मैक्सिमा भी बोलना है, इसको मिनिमा भी, गलत लिख दिया, इसको डार्कनेस को क्या बोलना है मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है जी। तो ये जब मैं आपके सामने करूंगा ये सिचुएशन हो सकती है। वैसे तो ये सर्कुलर रिंग्स थे, लेकिन भाई बहुत बड़ा स्क्रीन होगा तो पूरे सर्कुलर रिंग दिखेंगे, स्क्रीन छोटा होगा तो ये स्ट्रिप्स दिखेंगी आपको। तो फिर से सुन लो, जो इसने पैटर्न ऑब्जर्व किया, मैं यार पहले तुम्हारे दिमाग में ये फिट कर दूंगा कि YDSE में पैटर्न कौन सा ऑब्जर्व किया, रिजल्ट तो आ जाएंगे मैथमेटिकल जब आएंगे आएंगे, बच्चे को यही नहीं पता होता कि YDSE में हुआ क्या था, फार्मूला याद होता है। तो पैटर्न कैसा ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूं आपको, कैसा किया जी, सेंटर पे ब्राइटनेस मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, या अभी जो शेप आपको दिखाई दे रही है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बैंड्स बन रहे हैं, बैंड मतलब स्ट्रिप्स होता है, स्ट्रिप्स स्ट्रिप टाइप जो हो जाएगा बैंड्स बन रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है उस पे ब्राइट बैंड आ रहा है, क्या आ रहा है जी ब्राइट बैंड। अब देखो मैं सारे शब्दों का इस्तेमाल यहीं पे कर दूंगा, कभी किसी क्वेश्चन में कभी बातचीत में बोला जाएगा कि यार सेंटर पे मैक्सिमा आ रहा है, बिल्कुल सही मैक्सिमा ही तो आ रहा है, या बोलेगा सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो भैया बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही तो हो रहा है, या बोलेगा सेंटर पर ब्राइटनेस आई है सही है, या बोलेगा सेंटर पे ब्राइट बैंड बन रहा है बिल्कुल सही है। वो जो मर्जी शब्द इस्तेमाल करे, ब्राइट बैंड बोले ब्राइटनेस बोले मैक्सिमा बोले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले सब सही है, या वो कभी कभी बोल देगा कि सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज डेवलप हुई है। अब देखो पतली पतली अगर पट्टियां बनी हो स्ट्रिप्स बनी हो तो उनको फ्रिंजेस भी कहते हैं, पतली पतली पट्टियां सी बनी हो स्ट्रिप्स सी बनी हो तो उनको हम फ्रिंजेस भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ब्राइट फ्रिंज है ये डार्क फ्रिंज है ये फिर से ब्राइट फ्रिंज है ये फिर से डार्क फ्रिंज है, यार फ्रिंज वर्ड भी यूज होगा। या मैं बोलूंगा पैटर्न कैसा बना, ब्राइट बैंड बिल्कुल सेंटर पे और अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स
या मैं बोलूंगा पैटर्न कैसा बना है, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज है, फ्रिंज वर्ड यूज कर लिया, और उसके बाद अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अब सारी बातें मैंने भैया एक ही बार में बोल दी, चाहे आप बोलो कि पैटर्न कैसा बनता है, मैक्सिमा एट द सेंटर एंड देन अल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, चाहे बोल दो ब्राइटनेस एट द सेंटर एंड अल्टरनेटिवली डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस, या बोल दो पैटर्न ऐसा है कि देर इज ब्राइट बैंड एट द सेंटर एंड अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, या बोल दो देर इज ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर एंड अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, सारे वर्ड्स एक ही बार में बोल दिए, कुछ भी मुंह से निकल जाए सब चलेगा। एक बार फाइनल बात कि पैटर्न कैसा है, सेंटर पे मैक्सिमा और अल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो आपको क्लियर होना चाहिए। YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ही हमें सारी ये बातें बताई। उसका ये जो एक्सपेरिमेंट था बड़ी ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर ऑब्जर्व हुआ। वो जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी उसने जो रखी, ये सब आपको बताया मैंने, उससे वो चारों कंडीशन सस्टेन इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने की पूरी हो गई। और उससे क्या हुआ, उससे फिर सस्टेन इंटरफेरेंस आ गया, ऑब्जर्व कर लिया अगले ने, और पैटर्न कैसा बना, मैक्सिमा एट द सेंटर एंड अल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब अगर इतना हो गया हो तो अगली बात हमें कुछ मैथमेटिकल वर्क भी करना पड़ेगा। आगे जो अपने रहेंगे, अपने दो टारगेट्स होंगे बेटा, आगे अपने दो टारगेट्स होंगे। पहला, टू ऑब्टेन कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यार मैक्सिमा मिनिमा किस कंडीशन के आधार पर आएगा, सेंटर में मैक्सिमा क्यों बनेगा, या जहां पे भी मिनिमा बनेगा वहां मिनिमा क्यों आ रहा है, या जहां पर मैक्सिमा आ रहा है वहां पर मैक्सिमा क्यों आ रहा है। सेंटर वाले मैक्सिमा को सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं और बाकियों को सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। भैया सेंटर वाले को क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, और बाकी जो है सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंटर वाले को सेंट्रल मैक्सिमा और बाकियों को भाई सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मिनिमा तो सारे सेकेंडरी है ना, तो जो सेंटर वाला होगा वो सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद अगला मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा, उससे अगला मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है जी। सेंटर वाले को सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, उससे अगले को फर्स्ट मैक्सिमा, उससे अगले को सेकेंड मैक्सिमा। इधर वाले को भी ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकेंड मैक्सिमा। मिनिमा जो है होता ही फर्स्ट से शुरू है, फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा थर्ड मिनिमा। सेंटर से जो अगला पहला मिनिमा आएगा, फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा थर्ड मिनिमा, ठीक है जी। तो इन सब चीजों का यूज होगा। तो मैं बोल रहा हूं हमें दो बातें करनी है, एक तो कंडीशंस फाइंड करनी है कि कहां मैक्सिमा आएगा और कहां पर मिनिमा आएगा, वेयर विल बी मैक्सिमा एंड वेयर विल बी मिनिमा, उसकी कंडीशन मैथमेटिकल कंडीशन निकालनी है। वो पहला आर्टिकल हो जाएगा लंबा चौड़ा, ओके। और उसके बाद फिर हमें ये जो फ्रिंजेस बन रही है ना, मैक्सिमा कितना फैल गया, ये जो बेटा फ्रिंजेस बन रही हैं ये कितनी दूर तक फैली होती है, इनकी विड्थ निकालनी है, वो दूसरा आर्टिकल हो जाएगा, ओके। जैसे अब ये है कितनी दूर तक मैक्सिमा फैला हुआ है, इसको कहते हैं इसकी फ्रिंज विड्थ। कितनी दूर तक मिनिमा फैला हुआ है, ये इसकी फ्रिंज विड्थ है, ये इसकी फ्रिंज विड्थ है, ये इसकी फ्रिंज विड्थ है। विड्थ मतलब कितनी दूर तक
ये फैले, कितनी चौड़ी स्ट्रिप्स बन रही हैं। तो आर्टिकल वाइज अपने पास दो चीजें, नंबर वन टू फाइंड कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और नंबर टू टू फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ओके जी, तो यार हम क्या करते हैं, इस चीज को यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, जो आर्टिकल है उसको मैं अलग ही रखूंगा, उसको अलग ही लेक्चर में डालता हूं, क्योंकि एक बार वो शुरू किया तो फिर उसको हमें खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर अभी शुरू कर दिया फिर तो 2 घंटे का लेक्चर चल जाएगा आपका, तो ये लेक्चर अब मेरे ख्याल से काफी छोटा हो जाएगा। जितना भी है इसको यहीं मैंने क्या किया, क्लोज किया, ठीक है, इसको यहीं पे क्या करने जा रहे हैं हम, क्लोज कर देते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही अब, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है बैक टू बैक आपको मिल जाएगा, उसमें एक बार फिर फर्स्ट आर्टिकल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर उसको पूरा का पूरा ही खत्म करके ही दम लूंगा, उसमें बहुत बातें हैं करने के लिए। तो अब यहीं पे क्लोज्ड है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी।